देखो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने डेटा टाइप सीखा था। याद होगा हमने फ्राइडे को डेटा टाइप्स को समझा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अभी और आगे चलते हैं हम लोग। हमें स्कैनफ के बारे में बात करना है कि स्कैनफ फंक्शन को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। देखो अभी स्कैनफ फंक्शन जो है, दिखाता हूं मैं आपको। कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेता हूं जहां हमें प्रोग्राम लिखना है। हम हमेशा प्रोग्राम शुरू जो करते हैं वो मेन से करते हैं। याद रखो हमेशा मेन लिख लिया करो, दो ब्रैकेट्स लगा दिया करो, करली ब्रैकेट स्टार्ट किया करो, करली ब्रैकेट क्लोज। अब जो कोड लिखना है वो इसके अंदर लिखना है, ये रूल है। आपको जो भी लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। जैसे कि आपने लिख दिया प्रिंट एफ और यहां लिख दिया हेलो, तो हेलो प्रिंट होगा। मतलब आपको भी पता है कि आप इसके अंदर जो लिखोगे वो लाइंस चलती है। और लास्ट में मैंने सिखाया है कि गेट सीएच भी लिखा करो, इसके बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ये देखो अभी कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। मैं न्यू फाइल सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट बटन है उसको दबा देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और एन। आ जाओ, ये देखो ये शॉर्टकट बटन है। आप यहां से भी फाइल न्यू करके कर ही सकते थे, लेकिन मैंने यहां से शॉर्टकट बटन दबा दिया है तो दोनों तरीका चल जाएगा, कौन सा भी तरीका जो भी आपको यूज करना हो। उसके बाद और आगे चलता हूं मैं, यहां पे सेव करता हूं पहले फाइल को और अपने उसी फोल्डर में रखूंगा जहां मैं अपने सारे प्रोग्राम सेव कर रहा हूं इस समय, और इसका नाम मैं रखने जा रहा हूं स्कैनएफ, स्कैनएफ डॉट सी। डॉट सी इसलिए है क्योंकि सी का प्रोग्राम कर रहे हो तो एक्सटेंशन सी ही होना चाहिए, तो ये भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मेन लिखना है, दो ब्रैकेट्स लगाने हैं, करली ब्रैकेट लगा के स्टार्ट करना है और लास्ट में गेट सी एच लिखना है। अब आपको कुछ नई चीजें दिखाता हूं मैं। इससे पहले आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, कुछ नया देखो। स्कैनफ लिख रहा हूं, स्कैनफ इस वर्ड के आगे दो ब्रैकेट्स लगा के सेमी कोलन लगा दो, इस वर्ड के आगे दो ब्रैकेट्स लगा के सेमी कोलन लगा दो, पहली चीज तो ये कर लो। उसके बाद ये स्कैनर फंक्शन करता क्या है जानते हो? ये क्या बोल रहा है कि कीबोर्ड से जो भी एंटर होगा उसे मैं रीड करके एक मेमोरी में रखूंगा। अभी मैं कीबोर्ड से एंटर करा के आपको दिखाता हूं। हाँ, लेकिन कीबोर्ड से क्या एंटर होने वाला है डबल कोट्स में बताओ। आप बोलोगे नंबर एंटर करवाना है, तो नंबर मत लिखो, परसेंट डी लिखो। परसेंट डी भी नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए नंबर मत लिखना, परसेंट डी लिखना। नंबर तो अपनी भाषा में है, वो कंप्यूटर की भाषा में परसेंट डी बोला जाता है। फॉर परसेंट डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है। ये लिखा, उसके आगे आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ये बताना है कि जो भी कीबोर्ड से एंटर होगा उसे किस मेमोरी में रखना है। उसे रखना है एक्स नाम की मेमोरी में। हाँ, लेकिन आपको एक्स नाम की मेमोरी बनानी भी पड़ेगी यदि आप उसमें रखना चाहते हो तो। तो पहले बना लेता हूं, लो मैंने बना लिया पहले। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप कुछ मत करो, बस यहाँ पे एंड परसेंट लगा दो। आप बोलोगे एंड परसेंट क्यों? दिस ये जो है ना, अभी मैं आगे अपने मेरे कल पॉइंटर्स पढ़ाने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा सी लैंग्वेज का पॉइंटर, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको करना और तब आपको समझा दूंगा मैं एंड परसेंट क्या होता है। बस अभी ये लिखना। अभी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं एक बार और प्रिंट एफ लिख के लिख देता हूं, हेलो सुमित। बस सेव किया, देख लो आपके सामने पूरा प्रोग्राम है। हाँ, इस प्रोग्राम को रन करूं तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से? हेलो सुमित नहीं, रन करता हूं देखो। आप लोगों ने कोशिश तो की थी लेकिन कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। इसका रीजन ये है, कंपाइलर ने मेन के अंदर आने के बाद पहली लाइन चलाई इंट एक्स, तो एक मेमोरी बना ली रैम के अंदर जिसका नाम क्या रखा, एक्स। फिर उसने चार नंबर की लाइन पे वो आया, चार नंबर की लाइन पे जब कंपाइलर आया तो स्कैनर उससे बोल रहा है कि तुम्हें मैं पांच नंबर की लाइन पे नहीं जाने दूंगा। अब ये फिर से सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पांच नंबर की लाइन पे स्कैनर जाने क्यों नहीं दे रहा। तो स्कैनर का कहना ये है
कि जब तक कीबोर्ड से कुछ एंटर नहीं हो जाता, मैं स्कैन करके एक्स में रख नहीं लेता, तुम नीचे नहीं जा पाओगे। अब कंपाइलर सोच रहा है अब क्या होगा, अब यूजर से इनपुट तो जो प्रोग्रामर है मतलब अभी मैं हूं तो मुझे करना पड़ेगा, तो कंपाइलर सोच रहा है कि कब वो यूजर करेगा एंटर, कब ये मुझे छोड़ेगा और मैं नीचे की लाइंस को चलाऊंगा। अब ये तो मेरे हाथ में कि यूजर से इनपुट देना, चलो मैं दे देता हूं 5-4। हाँ अभी भी नीचे नहीं जाने दे रहा, नीचे गया होता तो हेलो सुमित प्रिंट हो गया होता, अभी भी नहीं। स्कैनफ ये बोल रहा है कि जब तक एंटर बटन दब ना जाए तब तक नीचे नहीं जाने दूंगा। हो सकता है यूजर एक और नंबर एंटर करने के लिए सोच रहा हो, इसलिए चलो अब मैं नहीं सोच रहा हूं तो मुझे एंटर बटन दबा देना चाहिए। दबाऊं, दबा दिया, हेलो सुमित आया। अब किसने रोका है जानते हो, गेट सीएच ने, 8 नंबर की लाइन पे गेट सीएच भी बैठा है, वो भी रोकता है कंपाइलर को, वो भी नीचे नहीं जाने देता। अब मैं कोई और बटन दबा दूं, हाँ छोड़ दिया, उसको एंटर बटन से मतलब नहीं, एक कैरेक्टर से मतलब है, क्योंकि उसका नाम है गेट सीएच, सीएच रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर, बस इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ लेकिन आप बोलोगे जो एक्स में आया था आपने उसका क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, हाँ मुझे प्रिंट कराना चाहिए उसे, रुको, प्रिंट एफ एक्स के अंदर के कंटेंट को प्रिंट कराना है ना, तो परसेंट डी लिखो और इस परसेंट डी की जगह क्या दिखना चाहिए, जो भी एक्स में है। आप बोलोगे स्कैन एफ और प्रिंट एफ एक जैसा लग रहा है, हाँ ये स्कैन करने के लिए कीबोर्ड से, ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, दो अलग अलग चीजें। देखो यहां लिख दूं क्या, वैल्यू ऑफ एंटर्ड, वैल्यू एंटर्ड डेटा इज परसेंट डी, ये ज्यादा सही रहेगा। रन करूं, F9 दबा के रन कर दिया, आप फिर से नोटिस करो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों, क्या हो रहा है यहां पे, कंपाइलर ने फिर से रोक लिया, सॉरी स्कैनएफ ने कंपाइलर को फिर से रोक लिया, कितने नंबर की लाइन पे, 4 नंबर की लाइन पे। तब तक रोकेगा जब तक आप कुछ एंटर कीबोर्ड से कर ना दो। अब बात आती है कि एंटर करने की, तो मैं दबा दूं 1-2-3, दबा दिया, अभी भी नहीं छोड़ रहा, क्यों, एंटर बटन तो मैंने दबाया ही नहीं, मुझे एंटर बटन भी दबाना चाहिए, चलो मैं दबा देता हूं, हेलो सुमित एंटर्ड डेटा इज 123, देखो आ गया, हेलो सुमित के बाद आपने प्रिंट कराया इसलिए उसके बाद आया। तो लेकिन यदि आप एक मैसेज पहले ही दिए होते एंटर अ नंबर तो कितना अच्छा लगता, एंटर अ नंबर, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पूरी ब्लैक है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, तो मैं लिख दूं क्या, एंटर अ नंबर लिखा, अब रन करता हूं फिर से, अब देखो कैसा दिखेगा, हाँ आप देखने में काफी अच्छा लग रहा है, एंटर अ नंबर, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए ये आप तय करो, बना लो साइड में, एंटर अ नंबर दिखना चाहिए, पहली लाइन लिख दो प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, बात खत्म, दिखेगी। अब ये मैसेज पढ़ के, क्योंकि जिसको सॉफ्टवेयर बना के देने वाले उसको ये ब्लैक कलर की स्क्रीन ही दिखेगी, प्रोग्राम नहीं दिखेगा। अब यहां पे पिछली बार एंटर अ नंबर नहीं लिखा था तो पता ही नहीं चल रहा था एंटर करना है कि नहीं करना है, तो अभी मैं लिखता हूं 65 एंटर, हेलो सुमित आ गया, एंटर डेटा इज 65 आ गया, लेकिन हेलो सुमित क्यों प्रिंट करा रहा हूं, ये तो मैं ऐसे ही करा रहा था, हटा दूं इसको। अब देखते हैं, अब काफी अच्छा लग रहा है, एंटर नंबर 123, हाँ एंटर डेटा इज 123, कितना सही है, एक बार प्रिंट एफ एंटर नंबर स्कैन एफ ताकि यूजर एंटर कर पाए और लास्ट में क्या एंटर किया वो देखने के लिए फिर से प्रिंट एफ, देखना है तो प्रिंट एफ, प्रिंट का काम है प्रिंट कराना तभी तो दिखेगा, तो ये एक चीज जरूरी। हाँ आपने लिख दिया एंटर 500 नंबर्स, ये तो प्रिंट कराने को तो एंटर 1 लाख नंबर्स भी लिख सकते हो आप, वो तो कुछ भी लिख सकते हो। रन करते हैं, आप मुझे ये बताओ इस समय जो ब्लिंकिंग हो रही है ये कितने नंबर की लाइन पे हो रही है, 4 नंबर, तो इसका सही जवाब है 5, 4 नंबर तो चल चुका है एंटर 500 नंबर्स, स्कैन अप ने रोका है कंपाइलर को इसीलिए ब्लिंक वहां हो रहा है, 5 नंबर की लाइन है, तो मैंने एंटर कर दिया 12, एंटर दबा दिया, एंटर डेटा इज 12 आ गया। आप बोलोगे आपने तो 500 नंबर्स बोला था, लिखने को तो कुछ भी लिख दूं मैं वो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है,
उसके लिए आपको वैसा कोड भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो होगा। हाँ तो आप बोलोगे क्या स्कैनफ 500 बार लिखना पड़ेगा? हाँ, अगर 500 नंबर से एंटर करवाना है तो स्कैनफ भी 500 बार लिखना पड़ेगा। स्कैनफ 500 बार नहीं लिख रहा हूं, बस बता रहा हूं यहां पे, यहां वाई में रख दिया, स्कैनफ यहां पे जेड में रख दिया, स्कैनफ 4-5 बार लिख रहा हूं खाली, परसेंट डी, और यहां डब्ल्यू में रख दिया बस। हाँ तो आपको बोलना चाहिए एंटर 4 नंबर। स्कैनफ कितनी बार लिख रहे हो? 4 बार, तो एंटर 4 नंबर ही बोलो, तभी 4 नंबर एंटर होंगे। इसको रन करके देखते हैं। हाँ लेकिन प्रिंट किसको करा रहे हो? सिर्फ एक को ही क्या? रुको, एक को नहीं, सबको करा लो ना फिर। 2, 3, 4, और यहाँ पे लिख दो बैक स्लैश एन, लाइन बदल जाए अच्छा दिखेगा फिर। बैक स्लैश एन डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ता है, ध्यान रखो। अभी रन करूं? नहीं, एक्स नहीं ले आएगा इधर, एक्स वाई अभी भी एरर आ जाएगी। क्यों, मेमोरीज बनाई क्या आपने सारी? नहीं, एक्स बना के कैसे बोल रहे हो सबको? वाई भी बनाओ, जेड भी बनाओ, डब्ल्यू भी बनाओ। अभी रन करूं? की एरर, एंटर 4 नंबर्स, 11, 22, 33, 44। हाँ आ रहा है। तो याद रखना स्कैनफ का काम क्या है, कीबोर्ड से। अब आप मुझे एक बात बताओ, रुको ये देख के बताना। अभी मैंने एंटर कर दिया 11, 22। इस समय ब्लिंकिंग कितने नंबर की लाइन पे हो रही है? सेवन। पीछे लास्ट में तुम्हें क्या लगता है? सेवन। मैंने 11 एंटर किया है, वो किस में गया? एक्स। गुड। और जो मैंने 22 एंटर किया वो वाई, और स्कैनफ ने रोका है 7 नंबर की लाइन। सही जवाब है 77 एंड 88। अब एंटर कर रहा हूं, लो किया, आ रहा है ना। जैसा एंटर करोगे वैसा स्टोर हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे परसेंट डी ही लिखना। हाँ परसेंट आई मत लिखना, आई लिखने से बताता हूं क्या होगा। स्कैन करते समय थोड़ा प्रॉब्लम आता है। रन कर रहा हूं, 1 1 1 1 1 1 1। हाँ अभी तो ठीक है। मैं बाइनरी डेटा, ये जनरली किस लिए होता है? आपको बाइनरी नंबर्स पता है, 0 1 1 0 1। हाँ रुको एक काम करते हैं, इधर भी परसेंट आई लिखता हूं, बाइनरी डेटा। अभी जो परसेंट आगे ही बताना है मुझे, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। हाँ अभी तो ठीक है, ये इन टाइप का डेटा ले रहा है, लेकिन मैं ऐसा कोड लिखूंगा कि ये बाइनरी टाइप का डेटा लेगा परसेंट आई की मदद से और इंट टाइप का शो करेगा। ऐसा करेंगे हम आगे, तो इसके लिए अभी इसको रहने देता हूं, आगे के इसमें बताने ही वाला हूं मैं। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ भी है, अभी इसको हटा रहा हूं। नहीं ये एक्स, अब वैसे भी इतनी सारी मेमोरीज नहीं चाहिए। अब आपसे मैं बोलता हूं ये सब क्लोज करो, चलो हटा दो। सिंपल सा प्रोग्राम पूछता हूं, देखते हैं किसको जमता है। मतलब मैं आप लोगों से एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं बता देता हूं आप लोगों को। मैं ये चाहता हूं कि एक आउटपुट स्क्रीन जो दिखाई देती है ब्लैक कलर की, मुझे ऐप कैसा चाहिए वो बता रहा हूं आपसे। मुझे यहां पे पहला मैसेज दिखना चाहिए, एंटर 2 नंबर्स, ऐसा मैसेज, ये मैसेज दिखना चाहिए। फिर मैं 2 नंबर्स एंटर करवा पाऊं, 5 एंड 2। फिर दिखना चाहिए एडिशन इज, ऐसा, ये मैं चाहता हूं, ऐसा मुझे चाहिए। ये मुझे मतलब ऐसा आप बना के दो मुझे आपके हिसाब से। कभी भी याद रखो, जब भी कोई भी, बहुत सारे बच्चों का जो लॉजिक नहीं बनता उसका रीजन ये कि वो आउटपुट स्क्रीन बनाते ही नहीं कि दिखना क्या चाहिए। जब अभी आपसे कोई ये बोलता है मुझे एक वेबसाइट बना के दे दो, आप आ गए सोच रहे हो वेबसाइट बनाओ, क्या बनाओगे? पहले उससे पूछ तो लो दिखना क्या चाहिए, कैसे बनेगी। उसी तरीके से यहां पे भी जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन होनी चाहिए। अभी जैसे प्रोग्राम पूछ लिया गया, राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ये वही प्रोग्राम है देख लो। तो आप पहले आउटपुट स्क्रीन साइड में बना लिया करो, रफ छोटा सा पेंसिल से कैसे भी बना लो। एक बार बना लिया, क्या दिखना चाहिए? पहला मैसेज पढ़ो, एंटर 2 नंबर्स, तुरंत यहां लिखो। बाकी प्रोग्राम में क्या आएगा उससे लेना देना नहीं, जो दिखना चाहिए वो लिख लो, एंटर 2 नंबर्स।
अब ये मैसेज पढ़ लेगा यूजर, सेमी कोलन लगाया कि नहीं, नहीं। रुको, हाँ अभी आपको दिखेगा। अब इसको रन करो तुरंत, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा प्रोग्राम होने पे ही रन किया जाता है। किसने बोला? आपका जब मन करे तब रन करो। रन कर लेता हूं ताकि बाद में एरर आने का प्रॉब्लम ना हो। हाँ एंटर टू नंबर आ रहा, चलो एंटर करता हूं। अरे नहीं कर पाया, क्यों? आपने स्कैनएफ लिखा है क्या जो आप कर पाओगे? अब पता चला कि स्कैनएफ की जरूरत है, तो लिखता हूं स्कैनएफ। एक बार लिखूंगा हो जाएगा? नहीं, दो बार स्कैनएफ, क्योंकि दो नंबर सेंटर करवाना है। हाँ लेकिन एक और शॉर्टकट बताऊं, स्कैनएफ के अंदर 2% डी लिख सकते हो, ये शॉर्टकट है। तो मैं लिखता हूं परसेंट डी कॉमा ऐसा, या तो अलग अलग स्कैनएफ लिख दिए होते तो भी चलता, लेकिन ये भी आना चाहिए आपको। पहला नंबर रख दो ए में, दूसरा नंबर रख दो बी में। तो ए और बी नाम की मेमोरी कौन बनाएगा? जब ए और बी में रखवाना ही चाहते हो तो ए और बी नाम की मेमोरी को भी तो बना लो। एक ए बना लिया, एक बी बना लिया, बस। अब रन करके, हाँ ये एंड परसेंट लगाना मत भूलना, सिर्फ स्कैनएफ में। मैं बोलता हूँ लगाने के लिए तो आप प्रिंटएफ में भी लगाना शुरू कर देते हो। प्रिंटएफ में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ स्कैनएफ में बोल रहा हूँ। तो या तो आप लगाओगे तो हर जगह, या तो नहीं लगाओगे तो कहीं नहीं, ऐसा करते हो आप लोग। तो ध्यान रखो सिर्फ स्कैनअप में लगाना। अब इसको रन करते हैं, देखो एंटर टू नंबर्स दिखाई दे रहा है। इस समय जो ब्लिंकिंग हो रही है वो कितने नंबर की लाइन पे हो रही है? 5 पे हो रही है। पहला नंबर क्या एंटर करना? 5 ही है क्या? 5 किया, अब कहाँ हो रही ब्लिंकिंग? 5 पे ही हो रही है। दूसरा परसेंट डी चल रहा है अब। 2, प्रोग्राम खत्म। अरे एडिशन इज 7 दिखना चाहिए था, ऐड करोगे तब तो दिखेगा, उसको प्रिंट कराओगे तब तो दिखेगा। अब पता चला कि अपने को ये भी दिखना चाहिए, मतलब एडिशन करनी पड़ेगी पहले, तो करवा लो ना ए और बी को ऐड करवा लो। हाँ लेकिन रखोगे कहाँ? सिर्फ ऐड करने से काम नहीं चलेगा, सी में रख लो। अरे तो फिर सी नाम की मेमोरी भी बना लो। लो बना लिया, प्रोग्राम हो गया। नहीं, आपने ऐड करके सिर्फ रखा है, रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट कराने पे दिखता है, ऐड कराने पे नहीं दिखता। तो प्रिंट एफ क्या दिखना चाहिए? मैसेज एडिशन इज दिखना चाहिए, तो लिख लो एडिशन इज। परसेंट डी, इस परसेंट डी की जगह क्या दिखना चाहिए? जो भी सी में है वो रिजल्ट है सी में, बस। अब देखते हैं रन करके। तो मैं पहला नंबर 5 एंटर करूंगा, दूसरा 2 करूंगा, एडिशन इज 7 आ गया। हाँ यूजर जैसा चाहता है सही है, लेकिन मैं और टेस्टिंग करना चाहता हूं कि मैं दूसरे, इसको सॉफ्टवेयर टेस्टर ऐसे करता है, टेस्ट करता है, कोड बना के प्रोग्रामर दे देगा टेस्ट। हाँ लेकिन उसको भी अब कोडिंग की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो करियर करना चाहते हैं वो पहले मैनुअल टेस्टिंग जब तक था तब तक ठीक था, वैसे काम चल जाता था, लेकिन अब ऑटोमेशन हो गया है, उसके लिए कोर जावा या पाइथन, सेलेनियम, ये सब चीजें लगती है। उसके लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए, जावा सीखने के लिए फिर C++ के लिए सी, तो देखा जाए तो फिर सब आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे पहले टेस्टिंग में इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें कोडिंग नहीं आती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि टेस्टिंग में भी जाना है तो कोडिंग आनी चाहिए। जब कोडिंग कोई सीख लेता है सोचता आप टेस्टिंग में क्या जाए, आप तो डेवलपर भी बन सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, दोनों जगह पैकेज अच्छा मिलता है। बस ये है कि वैकेंसीज डेवलपर के मुकाबले कम होती है। उसका रीजन ये है कि किसी होटल में अगर 9 लोग खाना बना रहे तो टेस्ट करने वाला एक ही होगा। अब आप बोलोगे 9 लोग टेस्ट करेंगे एक बनाएगा, ऐसा देखा है कहीं? नहीं। तो उसी तरीके से ये टेस्टिंग है, टेस्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर को सही से चल रहा है कि नहीं। दूसरा इनपुट देखो सही है, तीसरा अलग तरह का इनपुट देखो फिर भी चल रहा है, चौथा अरे यार ये वाले इनपुट पे तो नहीं चल रहा है, हाँ तो क्या करना पड़ेगा? फिर वो चेंजेस बताओ डेवलपर को, वो करेगा। ऐसी ये टेस्टर का काम होता है, सिर्फ इसी जगह पे नहीं हर जगह पे। तो ये प्रोग्राम है, अभी आप बिना देखे ट्राई करो, देखो आपसे बनता है क्या, तुरंत फटाफट लिखो, देखो बन रहा है क्या। मेन से प्रोग्राम शुरू करो, आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करो और एक एक स्टेप देखो, आपसे पहला प्रोग्राम बनता है कि नहीं, ये आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे खुद से ट्राई करके। किसी का देखो मत अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो देख लेना किसी का, ऑनलाइन वाले भी करो। चलो
देखो जम रहा है आप लोगों को, जम रहा है। आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए उसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप बना पाओगे। ये वाला है ना। तुमने और अच्छे से इम्प्रूव करके किया है। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, गेट सी एच के बाद सेमी कोलन लगा दो। हाँ बताओ। क्या स्कैनर के नीचे ही एडिशन करना है? जब आप नंबर इंटर करवा लोगे उसके बाद ही तो उसको ऐड कर पाओगे। पहले ऐड कर दोगे फिर नंबर इंटर करवाओगे, ऐसा कैसे होगा? तो इसलिए पहले आपको स्कैनर लिखना पड़ेगा। एक बार चेक कर लो जिन्होंने किया है उनके प्रोग्राम में। देख लो एक बार, खाली आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, ये सही है ना? अभी मुझे आपसे ये बोलना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल का। सर्कल का मतलब ये है, अब वो भी सर्कल का प्रोग्राम यदि आपको बनाना है एरिया ऑफ सर्कल का, तो पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपसे ऐसा कोई सवाल बोलता है कि कैलकुलेट करना एरिया ऑफ सर्कल, आपको यदि फॉर्मूला नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कोडिंग नहीं सीख सकते। फॉर्मूला याद कर लो, बात खत्म हो गई। फॉर्मूला याद कर लोगे तो फिर बचा ही क्या? अब ये आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ क्या दिखना चाहिए? वैसे मैं अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब मेरे कीबोर्ड पे तो पाई बटन है ही नहीं, आपके है? नहीं है ना। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, तो या तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर इंटू आर। नहीं पता है पाई की वैल्यू, हमें पता थी हमने लिख दी, हमने ये पढ़ा हुआ है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अलग होता है 2πr, या फिर जो भी हमने पढ़ा होगा उस समय। अभी हमें, मैंने ये लिखा हुआ, या तो आप एक मेमोरी बनाओ फ्लोट टाइप की पाए नाम की, उसके अंदर 3.14 रख दो, फिर यहां पे क्या लिख दो पाए, ऐसा भी चलेगा, वो आपकी मर्जी आपको कैसे करना। हाँ, लेकिन आपसे मैं प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, क्या पता होना चाहिए जिससे रेडियस निकाला जा सकता है। आप जिसको सॉफ्टवेयर बना के दोगे उसका काम आसान हो जाएगा, उसको क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस एंटर करेगा तो उसे रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पे? एंटर अ रेडियस, चलो ठीक है, ये लिखा। चलो मान लेते हैं यूजर ने एक रेडियस एंटर करने की कोशिश की और उसने रेडियस एंटर कर दिया 3। वो डेसिमल में भी रेडियस दे सकता है 3.1, 3.7, कुछ भी। फिर क्या दिखना चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल इज, और जो भी रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं 3 है रेडियस, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3.14, मतलब 28. कुछ 12 ऐसा ही कुछ आएगा, जो भी आएगा देखते हैं क्या आता है। 28.12 या 34 ले लेता हूं, अभी मुझे नहीं पता क्या आएगा, देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब आता हूं मैं यहां से प्रोग्राम पे।
फिर से जब प्रोग्राम पे यदि आप आते हो तो आप एक चीज नोटिस करना कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। पहले तो आप इसको ट्राई कर सकते हो चाहो तो, बता देता हूं उसके बाद देखो। यहाँ पे नहीं, मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ सेव एज, और इसका नाम रख देता हूँ सर्कल डॉट सी। यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ मेन, पहला मैसेज क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पे, एंटर अ रेडियस लिख लो। फिर अब ये मैसेज पढ़ के यूजर एक रेडियस एंटर करने की कोशिश करेगा तो स्कैन एफ लिखो, और मैं परसेंट एफ लिखना चाहता हूं इस बार क्योंकि रेडियस डेसिमल में भी यूजर एंटर कर सकता है, डी भी चलेगा लेकिन जाने दो हम डेसिमल में है। उसको आर नाम की मेमोरी में रख लो, एम नाम की मेमोरी में भी रख सकते थे लेकिन रेडियस आर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो आर, तो मेमोरी बना लो ना फिर फ्लोट आर। आप बोलोगे फ्लोट क्यों, क्योंकि मैं डेसिमल वाला नंबर उसमें स्टोर कराना चाहता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल इज ये दिखना चाहिए, पहले रिजल्ट तो लाओ तब उसके बाद उसे प्रिंट कराना। तो 3.14 इंटू आर इंटू आर, और इसको रखवा दो एक मेमोरी में एरिया ऑफ सर्कल नाम की। हाँ तो ये मेमोरी पहले बना लो, बना लू ए ओ सी, और यहां लिख देता हूं प्रिंट एफ। अब यहाँ क्या दिखना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट एफ कॉमा जो भी एओसी में आएगा वो। अभी रन करता हूं इसे F9 दबा के, कुछ भी नहीं किया ना मुझे समझाने की जरूरत ही पड़ी आपको। एरिया ऑफ सर्कल इज 28.26 आ रहा है, देख लो हो गया, हो गया ना। और क्या इसमें, ये एक प्रोग्राम है, और जो एक प्रोग्राम आप लोगों ने ये देखा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये प्रोग्राम आपको ट्राई करना, पहले ये वाला लिख लो खुद से और फिर इसको ट्राई करो, देखो जमता है क्या, नहीं जमेगा मैं पढ़ाने ही वाला हूं लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। पहले एरिया ऑफ सर्कल वाला बनाओ, वो हो जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुझे देखना किसको जमता है आप लोगों में से, ऑनलाइन वालों को भी करना है तुरंत।
हाँ चलो दिखाओ मुझे किसका हुआ है और किस तरीके से किसने किया है, कोशिश की। अच्छा की तुमने, दिखाओ। मैंने बॉडी लिखी, फिर प्लॉट मैंने मतलब नहीं ब्रीफ और एरिया के लिए ए लिया, फिर तो फिर प्रिंट में एंटर लेंथ और ग्रेथ ली। गुड, सही किया है तुमने। और किसी ने कोशिश की है? गुड, ठीक है। और किसी ने, तुमने किया है? एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ लिखना है, उसके बाद स्कैन एफ लिखा तुमने, परसेंट एफ, परसेंट एफ, गुड। एक एल नाम की मेमोरी बनाई और एक बी तो उसमें रख लिया, बाद में एल इंटू बी करके उसको अगर आप इस प्रोग्राम को देखो तो ये प्रोग्राम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स जैसा दिखाई देगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है। अब लेंथ निकालना है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ही तो होने वाला है, और होता क्या है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अगर आपको एडिशन का प्रोग्राम आता है तो ये आएगा, सेम है, बस स्क्रीन पे एंटर फर्स्ट नंबर की जगह लिखना एंटर अ लेंथ, एंटर सेकेंड नंबर की जगह लिखना एंटर अ ब्रेड्थ, सेम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है। एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ एक साथ बोल दो, एडिशन के जैसा ही है। हाँ ठीक है, ये तो बन भी जाएगा आपसे। आप एडिशन का प्रोग्राम कहा गया, लिखो यहाँ, लिख दो एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, बस। उसके बाद ये ऐसे ही रहने दो, अगर आप डेसिमल में नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे इंटू कर दो और लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, बस बात खत्म। मेमोरी का नाम ए बी रहने दो, जरूरी थोड़ी एल और बी ही होना चाहिए, नाम तो कुछ भी होना चाहिए। ये दिखता थोड़ी है सामने वाले को कि मेमोरी का नाम सामने वाले ने, प्रोग्रामर ने क्या रखा है। आपको दिखता है, आप जब मैसेज किसी को भेजते हो, सेंड हो जाता है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होता है। कहाँ दिखता है? आप किसी को हाय भेज रहे हो तो हाय चला जाता है, आपको क्या पता हाय स्टोर हो गया एक्स नाम की वेरिएबल में। कहाँ दिखता है? आप जनरली चैटिंग करते हो तो, इसलिए इससे कोई। हाँ एक लास्ट प्रोग्राम बता दो जल्दी से, चलो मुझे ये बताओ। टेम्परेचर देखो, वैसे बहुत बोर होता है जब हम कोडिंग को सीखते हैं, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा सीखने में कि प्रोग्रामिंग है, और मन नहीं लगता जनरली, लेकिन आप जब सीखने लग जाओगे और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बहुत बढ़ता है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैं भूगोल तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इतिहास तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं आपसे आराम से बातें कर रहा हूँ किसी टॉपिक के ऊपर और समझा रहा हूँ चीजों को, कब युद्ध हुआ, कौन कौन आया था युद्ध में, तो इसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका मन लगा रहे उसमें।
अगर मैं वो पढ़ाता तो भी शायद मैं अच्छा पढ़ा सकता था ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता, दुख है मुझे। अभी मैं टेम्परेचर का प्रोग्राम आपसे पूछूंगा कि एक प्रोग्राम हमें बनाना है, आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे ये दिखाई दे रही, मान लेता है ऐसे। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मेरा मैं चाहता हूं एंटर अ टेम्परेचर, मैं जो चाहता हूं वो बता रहा हूं इन सेल्सियस। ये मैसेज पढ़ के यूजर एक यहां एंटर करेगा, टेम्परेचर सेल्सियस में 32 डिग्री, मतलब 32। फिर दिखना चाहिए रिजल्ट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, और यहां दिखना चाहिए 10 जो भी आए, 98 वगैरह जो भी आएगा वो कैसे। अब आप बोलोगे इसका भी फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला है, फॉर्मूला आ गया बात खत्म हो गई। नहीं आता तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको ये नहीं आएगा, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मूला जिस दिन याद कर लोगे ये भी आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं पढ़ाता नहीं हूं लेकिन मुझे याद है अभी तक, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तभी टीचर्स मारते थे तो हम याद कर लेते थे अच्छे से कि भूले ना, तो उस समय बहुत क्लासेस वगैरह में तो स्ट्रिक्ट था ही, अभी तो थोड़ा ढीला हो गया है, अभी बच्चों को डांटा भी नहीं जा सकता, समय बदला है, हो सकता है आपके समय पे आपने भी मार खाया हो। अभी जो नया चल रहा है उसमें आप डांट भी नहीं सकते, इतना स्ट्रिक्ट है। लेकिन फिर कोई कोई बच्चे नहीं सुनते हैं तो फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा हो जाता है। और अभी पहले की बात अलग थी, तभी याद भी वैसे ही करवाया जाता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम ए प्लस बी लिखते थे ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ तो लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक फॉर्मूला था। उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्री में साइन जीरो टेन, मतलब साइन थर्टी नाइनटी फोर्टी फाइव ये सब भी हमने पढ़ा था, रूट थ्री बाय टू होता था, फिर क्रॉस में रूट थ्री बाय टू लिखते थे, फिर इस साइड से वन बाय टू इधर है तो इधर भी वन बाय टू आता था, फिर वो उसका उल्टा हो जाता था, याद है आपको। उस लॉजिक से उस समय हमने याद किया था, मैंने टेंथ में था शायद, तो ये सारी चीजें हमने थेरम्स पढ़े थे अलग अलग, एक बीपीटी थ्योरम करके था और भी बहुत सारे थे, फिर प्रूफ करना होता था, लेकिन उस समय अलजेब्रा ज्यादा बेटर लगता था ज्योमेट्री के कंपैरिजन में, तो ज्योमेट्री कम पसंद मुझे भी था, अलजेब्रा ही ज्यादा पसंद आता था, मार्क्स भी उसमें आउट ऑफ ही आते थे, तो अलजेब्रा ज्यादा पसंद था उस समय। अभी भी वैसा ही है शायद, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो 2009 में पढ़ा था टेंथ, पढ़ा है ये सब, सेम है सिलेबस, यही है, फॉर्मूलेज यही होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीजें हुआ करती थी, तो वैसा ही है, सिलेबस थोड़ी बदलेगा, ठीक है। उस अभी क्या होता है प्रॉब्लम, सब लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाते, उसके पीछे का रीजन एक ये होता है कि हम स्कूल से जब शुरू करते हैं पढ़ाई उस समय हमारा मैथ्स अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैथ्स इतना स्ट्रांग चाहिए आपको, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं, कोडिंग के लिए ऐसा कुछ मैंने तो आज तक कभी नहीं पढ़ा। आपको मैथ्स, वो क्या होता है कि थर्ड में जब आप पढ़ रहे थे, सेकंड में थे, फोर्थ में थे, तो आपका मैथ्स बड़ा अच्छा था। पार्टी पे मुझे ना ऐसे दे देते थे, ये लो चलो, लिख देते थे ऐसे बड़े बड़े नंबर, 8 9 7 3 डिवाइडेड बाय 9 करो, ऐसे देते थे। तो उस समय फिर ये पार्टी पे हम करते थे सॉल्व, कुछ गलत होता था तो घर पे पिटाई भी, मतलब उस समय की बात है, आप सोचो उस पे इतना इतने तैयार हो गए थे कि 30 तक का टेबल थर्ड और या फोर्थ में मुझे याद था, इतना स्ट्रिक्ट था। हाँ, लेकिन ये सबके साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें से किसी का मैथ्स पहले से अच्छा हो गया, वो लॉजिकली अच्छा हो गया, उसका दिमाग फिर बराबर चलने लगा, तो वो आगे जब जाते गया तो उसको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई खाली मैथ्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग कोई भी बच्चा हो, लेकिन अगर उसने उस समय अच्छे से नहीं किया सेकेंड में थर्ड में फोर्थ में, तो आगे आ जाने के बाद भी वो वैसे ही चलते रहता है।
टेंथ तक आते आते इतना मैथ्स में सीरियस नहीं होता और इतना उसका मन नहीं लगता, उसका दिमाग वैसा ही रह जाता है, मतलब सिर्फ मैथ्स के लिए वैसा रह जाता है, जनरल जिंदगी में अच्छा होता है, फिर वो आगे जाता है इलेवन ट्वेल्थ कैसे तो भी फिर कॉमर्स आर्ट्स कुछ लेके निकालेगा, फिर आगे आएगा। अब अगर वो कोडिंग में आना चाहता है या फिर वो साइंस से भी, लेकिन उसका उस समय का स्कूल में भी अच्छा नहीं था, वो मैथ्स में थर्ड सेकंड फोर्थ में जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम आती थी, वो अब जब सीखना चाहता है मन लगा के तो वो सोचता है यार मैं दूसरों से अलग हूं, आपकी शुरुआत वैसे हुई थी इसलिए आज आप वैसे हो अलग, लेकिन अगर आप मेहनत अभी भी करोगे तो आप तैयार हो जाओगे, उस समय जो हो गया हो गया, उस समय आपने नहीं की, आप स्कूल में थे तभी आप पे ध्यान नहीं दिया या कोई भी रीजन, ध्यान दिया लेकिन आपका मन नहीं लगता था, कुछ भी हो सकता उसका रीजन, लेकिन अब आप खुद चाहते हो सीखना, अब तैयार होना चाहते हो तो अभी भी आपके पास समय है, अभी कर लो। थोड़ा हो सकता है कि कोई कोई बच्चा तुरंत उसका जवाब दे देता है क्योंकि उसका उस तरीके से हुआ है बचपन से, ये मैटर नहीं करता कि ये किनको समझ रहा है मुझे नहीं समझ रहा है, ये अभी के लिए नहीं, ये पूरा आपका डिपेंडेंट है आपके पास्ट पे, वो कैसा बीता है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, इसलिए आप ऐसा कभी मत सोचो यार मेरे दोस्त को सब आ रहा है उसको सब आ रहा है मुझे नहीं आ रहा मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो पास्ट पे डिपेंडेंट है इसलिए आज आपके साथ ऐसा हो रहा है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, उससे ज्यादा वो अगर दिन में एक बार करता है तो आपको दिन में तीन बार करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा उसके लेवल का आने में, आप 6 महीने 8 महीने 1 साल में, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड में हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास तो बहुत समय बचा है, 2-2 साल बचे इंजीनियरिंग खत्म होने को या BSc BCA जो भी कर रहे हो, तो बाकी जो एकदम जॉब के लिए कर रहा है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बस यही है इसका एक रीजन, आपका बचपन कैसा था उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या होगा, तो वो इंप्रूव करो, मैथ्स माइनस प्लस ये सब टाइप के घर पे प्रैक्टिस करो। मैथ्स के लिए अभी किसी ने मुझे किया भी था मैसेज कि मैथ्स के लिए, तो आप वहां पर आपको यूट्यूब पे चैनल्स देखो मिलेंगे मैथ्स भी पढ़ाने वाले, ऐसे बेसिक थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड मैथ्स फिफ्थ वाले, आपको करना चाहिए, अगर नहीं अच्छे से आता है तो आप वो कर सकते हो। एक लड़का आया था अभी, मैं परसों जब पुणे जा रहा था उससे पहले मैं रास्ते में चला गया था, उसके बाद वो आ गया, शायद वो बिहार से आया था खाली मुझे मिलने के लिए बिहार से, तो मैं सोचा चलो इतने दूर से आया है तो मैं आधे रास्ते में चला गया हूँ फिर आ जाता हूँ उससे मिल लूँ, क्योंकि बहुत दूर से आया है, क्योंकि मैं तो 2 दिन बाद आऊंगा पुणे से, तो फिर मैं रिटर्न आया, वहां लेट हो गया था मुझे, फिर इधर आया उससे मिला, उसने पूछा भी कि क्लास कितने साल से चल रहा है आपका, मैंने बताया 6-7 साल से तो चल ही रहा है, फिर उसने बोला अच्छा यही देखने आया था कि क्लास है कि नहीं है, मुझे आपका कोर्स ऑनलाइन ही करना है, और सिर्फ देखने आया था क्लास है या नहीं है, तो मैंने बोला मेरी फीस कितनी ऑनलाइन की मालूम है, तो उसने बोला हाँ 5,000 रुपए है, मैं बोला तुम कितना खर्चा करके यहाँ आए हो पहले ये बताओ मुझे लगभग मतलब ये सोचने वाली बात है कि आप 5,000 खर्चा करके खाली ये देखने आए हो क्लास जेन्युइन है कि नहीं, मैं 5,000 दे दूंगा पता लगे भाग गए ऐसा तो नहीं है, बताओ मुझे। तो ठीक है मैंने बोला है, फिर उसने बोला फीस कम कर दो, अब मैं बोला अब तुम भाड़ा वगैरह सब यही से निकाल लोगे लग रहा है तो ऐसे भी करते हैं, मतलब ये लेवल है स्टूडेंट्स की, तो इससे भी डेंजर है, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीजें तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, तो वो एक्सपीरियंस आता है मुझे। अभी मैंने ग्रुप पे डाला है टाइमिंग, क्लास 5 बजे होगा, 4:30 बजे मैसेज फिर आता है उसी बच्चे का, क्लास कितने बजे, मतलब मैंने बताया हुआ है 5 बजे है, 4:30 बजे फिर पूछेगा क्लास कितने बजे, फिर एक बार और बताना पड़ता है 5 बजे, तुमने देखा, हाँ देखा लेकिन सोच रहा था पूछ लूं एक बार, ऐसे भी करते हैं, तो ये होता है। अभी ये टेम्परेचर वाला लास्ट खत्म कर देता हूं, मुझे ये बताना है इसमें कि हाँ फॉर्मूला है 1.8 इंटू सी, मतलब सेल्सियस अगर 30 है, 30 इंटू 1.8 मतलब लगभग 2 के बराबर, 60 के आसपास जाएगा, वैसे तो 5.6 मतलब वो 56 होगा, लेकिन मैं एक अंदाजा बोल रहा हूं,
उसके बाद प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इसमें किस चीज की जरूरत है आपको, सिर्फ सी की। सेल्सियस अगर मिल गया, मान लेते हैं 30 है, तो आप नोटिस करो 30 × 1.8, 18 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 54 आता है शायद। हाँ तो 54 आएगा। उसके आगे ये जीरो लगा दो, 18 का मल्टीप्लाई 3 से करो, उसके आगे जीरो लगा दो। हाँ लेकिन पॉइंट एक नंबर के बाद है तो इधर पॉइंट दे दो, मतलब 54 प्लस 32 ये क्या आएगा, मतलब 96 आएगा क्या? नहीं, 4 × 2 = 6, 5 × 3 = 8, 86। तो 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 86 फ़ारेनहाइट, मिल गया ना, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है, अब अपने को स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, आपके सामने है। तो राइट अ सी प्रोग्राम, ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। आप सोच सकते हो कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए वो बनाया करो। देखो ये लॉजिक आपका डेवलप हो रहा है, जनरली कोई भी आपको पढ़ाएगा आपकी लॉजिक के बारे में नहीं सोचेगा बिल्कुल भी, बस वो प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा रेडीमेड, पढ़ के बता देगा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। तो वो आपको एक आधा बच्चा उस जो होशियार होता है बस उसके लेवल का होता है वो, उसको टीचर को पढ़ाना भी नहीं आता तो भी सीख लेता। मैं मैथ्स वगैरह के कहीं कहीं क्लास में जब जाता था कॉलेज के टाइम पे, जब टीचर लिखते थे बोलते थे तब नहीं समझता था, जब वो लिख देते थे फिर मैं पढ़ता था उसको। अच्छा हाँ अब समझ गया, टीचर क्या बोल रहा है मुझे मतलब ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है, वो भी आपके साथ भी हुआ होगा कि उस वो क्या बता रहा है कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन उसने एक बार लिख दिया ना आप उसको समझ समझ के सीख लेते हो। तो ये कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, बहुत सारे होते हैं। तो उस समय मेरी जरूरत नहीं, मेरी जगह कोई भी आ जाए आपको सिखा देगा अगर आप उस टाइप के हो तो। मेरी जरूरत कब है कि आपको सच में नहीं आता, प्रॉब्लम है, और उस लेवल से आपको सीखना है जिस लेवल की आपको जरूरत है। अभी आप सोचो चौथा लेक्चर हमारा चल रहा है, अभी तक हम एडिशन के प्रोग्राम पे ही घूम रहे हैं, ठीक है लगने दो टाइम, उल्टा आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, कितना भी समय लगने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ टाइम मैटर नहीं करेगा। जब क्लास वाले सोचते हैं कि अगर अभी बैच शुरू हुई 6 महीने की बैच है तो इतने तक खत्म करना चाहे कैसे भी हो जाए, मेरे 8 महीने 9 महीने कितना भी टाइम जा सकता है, ऐसा होता है। जावा की बैच तो एक बार 5 या 6 महीने चली थी सिर्फ जावा, इतना स्लो पढ़ाया था मैंने उस बैच को, मतलब ऐसा नहीं कि छुट्टी दे रहा था, स्लो पढ़ाया था मैं बोल रहा हूँ। अपना भी जो क्लास है 3 दिन सी का रहेगा, 3 दिन पाइथन का रहेगा, पाइथन शुरू करने वाला हूं मैं, थोड़ा आपको पाइथन भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ये है कि मैं पाइथन चालू करूंगा जब, तो उसका टाइमिंग 8:15 होगा। वैसे भी अपने को 8:30 8:15 अपना टाइमिंग करना है ताकि बहुत सारे बच्चों का जो कॉलेज का टाइम होता है वो भी मैच हो जाए, उनको जाने को भी टाइम मिले सब कुछ, और इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 9 बजे आ रहे हो आधा घंटा और पहले आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो वो मैं करने वाला हूँ पाइथन शुरू, तो 3 दिन अपना पाइथन का क्लास होगा, 3 दिन अपना सी का क्लास होगा, ऐसे। तो ये दोनों कवर होगा। संडे के दिन फिर मैं देखूंगा किसकी किसी दिन छुट्टी हो गई थी क्या, सी की या पाइथन की। हाँ तो चलो वो संडे को ले लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि एक दिन और मिल जाता है अपने को। नहीं भी छुट्टी हुई तो भी कभी मुझे लगा कि ले लेना चाहिए आज बुला के, तो मैं ले लेता हूँ, सिलेबस कुछ पीछे आ गया तो वो। और अभी मैं चाहता हूं कि कल और परसों ना रखूं क्लास 2 दिन, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये तो कंटिन्यू चलने वाला है, क्योंकि मुझे ना मेरी जो बैच 1 चल रही है ना उनका सिलेबस ये वीक में जावा लगभग खत्म करना, ये वीक में आपका भी रहेगा क्लास, दोनों बैच मुझे लेनी पड़ेगी, वो खत्म कर दूं ताकि उनका पाइथन ही बचा है सिर्फ, आपके साथ पाइथन शुरू हो जाएगा, वो लोग ऑनलाइन ही करते हैं तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन देखते हैं, अगर कल है तो आप लोग आ सकते हो तो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओगे ना कल भी तो रख देंगे क्लास, 9 बजे ही रखेंगे चाहिए तो कर लेंगे। हाँ अभी ये प्रोग्राम एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, यहाँ लिखूं, यहाँ पे देखो ये लास्ट प्रोग्राम है, आपको भी जमेगा। टेम्परेचर डॉट सी, रेक्टेंगल वाला नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, वो आप बनाना ट्राई करना मेन से, अरे मेन, हाँ ये वॉइड भी पढ़ाना है मुझे आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को। ठीक है,
एंटर अ टेम्परेचर इन सेल्सियस. अब ये मैसेज पढ़ के यूजर एक टेम्परेचर एंटर करने की कोशिश करेगा तो स्कैनअप लिखो तभी तो कर पाएगा. चलो परसेंट एफ कॉमा टेम्परेचर को मैं रख देता हूं सी नाम की मेमोरी में सेल्सियस. हाँ तो पहले सी नाम की मेमोरी बना तो लो. बस अब फॉर्मूला क्या बताया मैंने 1.8 इंटू सी प्लस 32. ब्रैकेट की जरूरत नहीं भी क्योंकि पहले तो मल्टीप्लाई ही होता है इसलिए ब्रैकेट ना दो तो भी चल जाएगा. तो क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगी. आपको पता ना पहले प्रायोरिटी किसको ज्यादा होती है आपको वो रूल पता होगा. और इसको रख देता हूं मैं एफ नाम की मेमोरी में. लेकिन एफ नाम की मेमोरी बनाओ ना पहले. ये मैंने बना ली. प्रिंट एफ गेट सी एच है ना. टेम्परेचर अभी यहां पे देखो स्पेलिंग ऐसे आता है कभी कभी एरर अगर स्पेलिंग सही भी रही तो. और हो सकता है कि मुझसे गलत भी हो जाए. अभी क्या हो गया है मोबाइल पे भी ना अभी इतनी आदत हो गई वो सजेशन. अब कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजना है तो मैंने आज तक पूरा टाइप नहीं किया कभी. मतलब अभी तो वो सिस्टम आ गया है कि आप सी ओ एन भी लिखते हो तो आगे का आ जाता है. तो मुझे मैं ऐसा था कि एक टाइम पे स्कूल में कि ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं होती थी जो मुझे ना आती हो. ऐसे मतलब इंग्लिश में भी बहुत अच्छा था. मतलब वो जो समानार्थी शब्द होते थे सिनोनिम्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा वो सब में मैं बहुत अच्छा था स्कूल के टाइम पे. और वो सब मैं बहुत याद करता था बहुत शौक था उस समय. ग्रामर चेंज द वॉइस वगैरह टाइप के ये आते थे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस फिर उसको हम चेंज करते थे. उसके बाद बहुत सारी चीजें होती थी डबल कोट्स में वो लिखा होता था उसको कन्वर्ट करना पड़ता था दैट वगैरह लगा के तो दीस लगा के तो वो सब हमने पढ़ा है उस समय. लेकिन अभी मैं भूल सकता हूँ कभी कभी क्या होगा आपकी नजर उसी वर्ड पे रहेगी तो अब ये स्पेलिंग सुधारेंगे. अब मैं देखूंगा ही नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं मैं उसी स्पेलिंग को देखूंगा जब तक ये बदल ना दे और उसका ध्यान उसी पे रहता है. मैं पूरा पढ़ा के हो गया लास्ट में बोल रहा है सर स्पेलिंग हाँ मैंने चेंज कर दी उसके बाद क्या पढ़ाया उसको ही नहीं पता. ऐसा मत करो स्पेलिंग गलत हुई छोड़ देना. टेम्परेचर इन इज और यहां क्या लिखूं परसेंट एफ कॉमा और जो भी एफ में है वो परसेंट एफ क्यों लिख रहा हूं ये मैं फ्लोट टाइप के डेटा के लिए लिख रहा हूं और मेमोरी का नाम भी मैंने एफ ही रखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज मत होना एफ ये मेमोरी का नाम है. देखते हैं चला के टेम्परेचर 36.5 हाँ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 97.69 हो गया खत्म. आपको होमवर्क ये है कि आपको टेम्परेचर एंटर करवाना है फ़ारेनहाइट में और उसका रिजल्ट आना चाहिए सेल्सियस में उल्टा. राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस ऐसा क्वेश्चन है. अभी तो उल्टा हमने किया ये आपको क्वेश्चन वैसा है तो चाहिए तो अगले लेक्चर में मैं पॉइंटर की जगह फंक्शंस पढ़ा देता हूं ताकि वॉइड क्यों यूज करते हैं वो सिखा दूं क्योंकि अपने को ना हर प्रोग्राम में वॉइड लिखना पड़ने वाला है आगे तो आपको पता होना चाहिए वॉइड क्यों लिखना है. तो मैं लगे तो पहले फंक्शन पढ़ा देता हूं उसके बाद पॉइंटर्स आगे के लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा ठीक है तो ऐसे करते हैं हम. चलो फिर बाय. ऑनलाइन वालों से तो नहीं बात कर पाया बाय बाकी देखते हैं अपने अगले लेक्चर में.